हाय हाय गाइस, गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुर्रम। मेरा नाम है वजह। तो यार सती जी भगवान शिव जी के पास आ चुकी हैं मिलने भाई, क्योंकि वो उनको ढूंढते ढूंढते और भगवान शिव भी सामने आ चुके हैं। अब आगे देखते आगे होता है देख क्या। क्या तो गाना ऑन करते हैं, 3-2-1 एंड स्टार्ट। मैं वो इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने आई हूँ। किस प्रश्न? आपसे मिलने के बाद मैं नहीं रही। ये तो है। ऐसा क्या है जो मुझे आपकी ओर? कुछ नहीं। केवल हम और उसके सिवाय कुछ भी नहीं। इस संयोग को कोई परिभाषा देना उचित नहीं है सती। अपने आप को भटकाने से तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। चली जाओ यहां से। भगवान शिव जी तो नहीं है अपनाने को तैयार। महादेव जी किसी वजह से उनको पलट के देख रहे तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर है मेरे पास, किंतु इन प्रश्नों की जटिलताओं में मैं तुम्हें उलझा नहीं सकता। मेरे प्रति तुम्हारे साकर्षण का अंत तो मुझे ही करना होगा। तुम्हें इस प्रेम की पीड़ा से मुक्त होना ही होगा। वियोग की घटना पुनः नहीं घटेगी और ना ही मैं ऐसा होने दूंगा। कैसे? क्यों आई हो यहां? ऐसा क्या है जो प्रजापति दक्ष की पुत्री को यहां ले आए? ऐसा क्या है जो मुझे आपकी ओर? कुछ नहीं। इस संयोग को कोई परिभाषा देना उचित नहीं है सती। अपने आप को भटकाने से तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। सती, लगता है वापस आ गई। आप शालिग्राम ले आए? इस उत्सव का मुख्य आकर्षण ये शालिग्राम और तुलसी विवाह ही तो है। इन्हें तो लाना ही था। चलिए अब तुलसी और शालिग्राम के विवाह की तैयारी करते हैं। चलिए। मदनी के देख दूंगी। पता तो चले है ना।
चाहती थी दी को यार इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं। तारी पूजा का है नाम नंबर। आप हमें तुलसी शालिग्राम विवाह की कहानी बताने वाली थी ना? अच्छा अवश्य आओ बैठो आओ। अच्छा अब ये कहानी सुनाएंगे। तुलसी देवी जब पहली बार प्रकट हुई थी तो एक नारी के रूप में प्रकट हुई थी। अच्छा, तुलसी। उनका नाम था वृंदा। और वो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त। किंतु उनका विवाह हुआ जालंधर नाम के एक राक्षस से। जालंधर नाम के राक्षस से? जालंधर का आतंक चारों ओर फैला अच्छा। हुआ, लेकिन कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वृंदा भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। अच्छा। और उनकी भक्ति में अपार शक्ति। अब ये बात जालंधर जानता था और इस बात का लाभ भी उठाता। अब उपाय सिर्फ एक ही था कि वृंदा के सतीत्व को नष्ट कर दिया जाए। तब भगवान विष्णु ने स्वयं जालंधर का रूप धारा। अच्छा। और वृंदा के साथ रहने लगे। अब किसी दूसरे पुरुष के साथ रहने के कारण वृंदा का सतीत्व नष्ट हो गया और उसकी भक्ति में वो सतीत्व भी नहीं रहा। और अब जालंधर को मारना आसान हो गया। जब ये बात वृंदा को पता चली तो वो बहुत रुष्ट हुई। उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया और भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गए। और उसके बाद वृंदा ने भी अपनी देह त्याग दी। किंतु जब उन्होंने अपनी देह त्यागी तो उनमें से तुलसी का पौधा प्रकट हुआ। किंतु भगवान विष्णु ने वृंदा को वचन दिया कि अगले जन्म में वो उनसे विवाह अवश्य करेगा। मतलब कि ये थी कहानी के मतलब कि वो वृंदा थी, वो उसकी राक्षस से शादी हो गई थी। वो फिर भाई भगवान विष्णु जी ने उनका उनका रूप ले लिया उस राक्षस का। बड़ा जालिम था। हाँ भाई, वो जैसा वो नहीं होता हर तरफ जुल्म। और फिर वो जब उनको पता लगा जारी बात, उन्होंने फिर भगवान शिव जी को भगवान विष्णु जी को श्राप दे दिया। और फिर उधर से फिर भगवान विष्णु जी ने भी भाई उनको आश्रय वो दिया कि मतलब वरदान या जो भी अगले जन्म में मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। और वो तुलसी का वो जो कह रहे थे कि पता निकल आया। हाँ बिल्कुल, मैंने नाम सुना हुआ है तुलसी का, जिस तरह होता है कि पौधा एक होता है, ये नाम सुना होता है। ये कहानी अब पता चली, ये इस तरह आया ना, वो भी तभी इतना क्यों उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यार अगर सॉरी अगर हम लोग गलत बोल रहे हो, ये कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप लोग बताइएगा। लेकिन यार फॉरम ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। और बाकी और सारे वो जिस तरह वहां से आए हैं भाई, और ऊपर से भाई भगवान शिव जी ने भाई गुस्सा किया, बोलते जाओ यहाँ से, कोई नहीं है, ये है वो। लेकिन भाई जब वो जा रही थी, भगवान शिव जी मुड़ के भाई देखा तुम्हारे सारे क्वेश्चन के जवाब मेरे पास, लेकिन मैं तुम्हें उन्हें उलझाना नहीं चाहता यार। बस वही बात है, भगवान शिव जी चाह रहे हैं कि कोई मतलब वही बात है ना होना इस चीज की भाई, जो नुकसान दे हो वही ना सती के लिए। लेकिन अब आगे देखते हैं आगे होता है क्या। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं तो बाय।